morning, children. Today I will take your Hindi class, and this is your Hindi book. First of all, you purchase this, because if you have not this book, you can't understood my classes. बच्चों, मैंने आपको दो अक्षर वाले शब्द पढ़ाए थे, आज मैं आपको तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. जैसे दो अक्षरों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया था, सेम वैसे ही आज हम तीन अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे. जैसे कमल, कमल, कलश, कलश, नहर, नहर, डगर, डगर, मगर, मगर, ठीक है? जब बच्चों एक एक जैसे कमल का प्लस मा प्लस ला को जब हम साथ में मिलाकर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल. इसी तरह का प्लस ला प्लस शा को मिलाकर जब हम साथ में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? कलश. इसी तरह नहर, नहर, डगर, डगर, मगर, मगर, ठीक है? बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आज आपको होमवर्क में ये दे रही हूँ कि अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाइए. अगर आपको ये जोड़कर नया शब्द बनाना आ गया है तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा और आप ये लिख भी लेंगे. मैं आपको दे रही हूँ झ प्लस प प्लस क, क्या हो जाएगा? झपक, टपक, टपक, मटर, मटर, डगर, डगर, लहर, लहर. बेटा, ये जो शब्द मैंने आपको दिए हैं इनको जोड़कर एक नया शब्द बनाना है जो आप खुद से घर पर लिखेंगे. आइए हम आज एक नई चीज सीखते हैं, वो है मिलते जुलते शब्द. मिलते जुलते शब्द क्या होते हैं? एक जैसे शब्द. जैसे बेटा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जगत, भगत, जगत. भगत से मिलता हुआ एक दूसरा शब्द जगत. इसी तरह मेरा दूसरा शब्द है वाहन. वाहन से मिलता हुआ दूसरा